पूरे भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र के हनुमान मूर्ति पार्क में हमारे देश का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया, जिसमें मुरादाबाद के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस पार्क में यह तिरंगा शिवचरण प्रजापति लोकतंत्र रक्षक सेनानी और इसमें मुख्य अतिथि रहे भाजपा नेता चंद्र कुमार प्रजापति और वार्ड 12 के पार्षद प्रशांत सागर पार्षद डबल फाटक भगवान दास कश्यप और वार्ड 44 पार्षद सोनू सैनी और पार्षद हरतला दिनेश कुमार प्रजापति हरपाल सिंह दानवीर नन्हे सिंह मनोज कुमार सिंह राजवीर प्रजापति संदीप शशांक शिवम दिनेश प्रिंस और इनके अलावा मोहल्ले के सभी वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। हमारे देश का राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के बाद सभी ने राष्ट्रीय गान गाया और उसके बाद जो हमारे देश को आजाद करने में शहीद हुए थे उनके बारे में छोटे छोटे बच्चों को समझाया गया। उसी के साथ सभी लोगों को मिठाई बांटी गई। आज हमारे स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है। आज हमारे हनुमान मूर्ति माता मंदिर सेवा समिति के मैं अध्यक्ष हूँ और लोकतंत्र रक्षक सेनानी हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है कि हर वर्ष मुझे झंडा फहराने का और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को क्षेत्रवासियों को इस पावन पर्व की स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारा देश सुख शांति से भरा रहे। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं भारतीय जनता पार्टी वार्ड 12 गोविंद नगर का पार्षद हूँ। आज बड़ा हर्ष और खुशी का विषय है कि आज पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस के इस पावन शुभ अवसर पर आज देहरी गांव के हनुमान मूर्ति पार्क में आज झंडारोहण किया गया और साथ में इस वार्ड के और मंदिर के सेवा समिति के लोगों ने साथ में रहकर झंडारोहण किया। मेरा नाम चंद्र कुमार प्रजापति, मैं महानगर उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी और आज हनुमान मूर्ति पर जो पार्क के रूप में यह झंडा अभी अभी लहराया गया है और यहाँ पर लगभग 11 वर्ष हो गए हैं झंडा लहराते हुए और हमारा 76वां गण दिवस है और पूरे देश में बहुत धूमधाम से इस पर्वत दिवस को मनाया जा रहा है।